हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। मैं मोहित रांटा आपके लिए आज लेकर आया हूं अपने जो स्टेट प्रोफाइल है हमारी, उसकी मैं आपके लिए आज तीसरी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे पंजाब के बारे में। हम पिछली दो वीडियोस में बात कर चुके हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं पंजाब की। जो पंजाब है, इंडिया की हिस्ट्री में पंजाब का एक बहुत अहम रोल है। एंशियंट हिस्ट्री में भी जो पंजाब है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो पंजाब की वीडियो को लेकर आपके सामने आज मैं हाजिर हुआ हूँ। आज हम पंजाब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। पंजाब जो है, जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, जो पंजाब है ये मिलकर बना है। पंच का मतलब होता है पांच और आब का मतलब होता है, आपने सुना होगा दोआब। दोआब का मतलब होता है दो नदियां के बीच की जो जगह होती है, जिन्हें दो नदियां सींचती है, उस जगह को कहते हैं दोआब। उसी तरह पंजाब का मतलब हुआ जहां पर पांच नदियां बहती है। पांच नदियां कौन सी है पंजाब रीजन में? सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम। ये पांच नदियां हैं जो पंजाब में बहती है, जिसकी वजह से इसे पंजाब कहा जाता है। इससे थोड़ा पहले जाते हैं, वैदिक पीरियड की अगर बात करें हम, ऋग्वेद में बताया गया है इस रीजन को सप्त सिंधु। सप्त सिंधु का मतलब है जहां पर सात नदियां बहती है। वो सात नदियां कौन सी है? एक है सरस्वती जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, दूसरी है शतद्रु, ये इसका वैदिक नाम है, संस्कृत नाम शतुद्री है, और सतलुज दूसरी नदी है, तीसरी है विपाशा जो कि ब्यास है, असिकनी चौथी नदी है जिसका नाम चंद्रभागा चेनाब है, ईरावती पांचवी नदी है जिसका नाम रावी है, वितस्ता जिसका नाम झेलम है, और सिंधु जो कि इंडस है। ये पंजाब का पूरा मैप है, ये बहुत पुराना मैप है पंजाब का। इसमें आप देख सकते हैं ये जो रिवर है ये इंडस रिवर है, ये झेलम है, ये आपकी चेनाब है, ये रावी है, ये ब्यास है और ये है सतलुज। ये आप जो मैप है ये आप अच्छे से देखिएगा, जो आज का पंजाब है और जो पूर्व पंजाब है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम अभी पहले हिस्ट्री की बात कर लें तो इसमें ये पंजाब का पुराना मैप है जिसमें कि ये सात नदियां बहती थी। इन सात नदियों के सातवीं नदी थी सरस्वती जो कि इस मैप में अप्रोक्स कहीं इधर बहती थी, जो कि एक्सटिंक्ट हो गई है। वो नदी इस अब एक्सटिंक्ट हो गई है। इस पूरे रीजन को कहा जाता था सप्त सिंधु। अब इसके बारे में अगर पंजाब के बारे में थोड़ी और बात करें तो पंजाब की इम्पोर्टेंस इसलिए है हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये जो सिविलाइजेशन है ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से थी एक, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि भारत में थी। भारत में ये आज के जो भारत और पाकिस्तान है वहाँ पर थी, और ये पंजाब में, इसके बहुत सारी जो जगहें हैं वो पंजाब में भी है, जैसे कि रोपड़ और कुछ एक और जगहें हैं जो पंजाब में आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो 2800 या 3000 BCE से लेकर 1900 BCE तक थी। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पंजाब रीजन में, मोस्टली पंजाब रीजन में थी। नेक्स्ट बात करें, जो पंजाब है इस पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 330 AD में इस पर आक्रमण किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य भी ने भी पंजाब पर राज किया। और पंजाब में अगर कुछ एक अम्पायर्स की बात करें, कुछ एक साम्राज्यों की बात करें, तो उसमें गुप्ता अम्पायर आपका, और जो एल्कोन हून अम्पायर है, हर्षा अम्पायर है और मंगोल अम्पायर है, इन अम्पायर का जो पंजाब है ये गढ़ रहा है, ये घर रहा है, आप इसे कह सकते हैं सेंटर रहा है इन सारे अम्पायर्स का। तो नेक्स्ट अगर इसमें बात करूँ मैं तो नेक्स्ट आता है मुस्लिम्स। जब मुस्लिम ने इन्वेड करा था, जब मुस्लिम ने आक्रमण करा था पंजाब पर, जो दिल्ली सल्तनत है उस समय पंजाब रीजन मुस्लिम्स के अधीन रहा, और मुगल अम्पायर में ये दो ऐसी मुस्लिम सल्तनतें थी या अम्पायर थे, आप दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं उस समय और मुगल अम्पायर के समय, जो पंजाब है ये मुस्लिम्स के अधीन रहा। सिखिज्म की बात करें तो सिखिज्म जो है ये सिखों का जो सिख धर्म है वो ओरिजिनेट हुआ पंजाब में। पंजाब में सिखिज्म ओरिजिनेट हुआ,
ये पंजाब रीजन में एक सिख कॉन्फेडरेरी बनी। कॉन्फेडरेरी होता है एक तरह का फेडरेशन, एक तरह का संघ, सिख संघ बना, जिस जो कि बना जब जो मुगल अंपायर है वो जब अपनी समाप्ति पर था, अंत पर था, इसका फॉल हो गया, उसके बाद बना सिख संघ। इस सिख संघ को मिलाकर एक अंपायर बनाया जिसे कहा गया सिख अंपायर, जो कि बनाया महाराजा रंजीत सिंह ने। महाराजा रंजीत सिंह ने सिख कॉन्फेडरेरी को कॉन्फेडरेसी को इकट्ठा करके एक अंपायर बनाया जो कि सिख अंपायर था। जो सिख अंपायर था इसके पास बहुत सारा रीजन था, जो कि मैं आपको यहाँ मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रीजन, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आज का, और पंजाब रीजन, ये आप पाकिस्तान का बहुत सारा रीजन देख सकते हैं। ये सारा जो था ये था सिख अंपायर, ये सिख अंपायर था राजा रंजीत सिंह के समय में। जो सिख अंपायर था ये 1849 एडी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया, 1849 एडी में। ये याद रखिएगा, जो ब्रिटिश के अधीन आया था पंजाब वो आया 1849 एडी में। और 1947 में क्या हुआ था, 1947 में पंजाब जो प्रोविंस था, जो कि मैंने आपको मैप में दिखाया, इसे ब्रिटिश इंडिया ने डिवाइड कर दिया दो भागों में। इसे दो भाग बनाया गया, एक वेस्ट पंजाब और दूसरा ईस्ट पंजाब। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, दो देश बने पाकिस्तान और भारत, तो उस समय जो पंजाब है वो सेंटर से सेपरेट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया दो भागों में। वेस्ट पंजाब जो है वो चला गया पाकिस्तान में, और जो ईस्ट पंजाब था, वेस्टर्न पंजाब यहाँ पर लिखा भी है, जो वेस्टर्न पंजाब है वो एक नई कंट्री में चला गया जिसका नाम था पाकिस्तान, और जो ईस्ट पंजाब है, जो आज का पंजाब, इंडियन जो पंजाब है वो रहा इंडिया में। अब जो बचा हुआ पंजाब रीजन था जो कि हिंदुस्तान में था, पेप्सू की फुल फॉर्म है, यहाँ पर पेप्सू लिखा है, पेप्सू की फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पेप्सू और पंजाब जो था इसको मिला, इसके तीन डिवीज़न किए गए लैंग्वेज के बेस पर 1966 में, भाषा के आधार पर। पंजाब और जो पेप्सू प्रोविंस है उसको भाषा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। तीन भाग कौन से थे, तो सबसे पहला था जो हरियाणवी स्पीकिंग थे, हिंदी की एक भाषा है हरियाणवी, तो जो हरियाणवी स्पीकिंग लोग थे उन्हें एक अलग स्टेट बनाकर दिया गया जो कि था हरियाणा। 1966 में हरियाणा बनाया गया, और जो हिली रीजन था, पहाड़ी स्पीकिंग जो पीपल थे उनको मिलाकर बनाया गया हिमाचल प्रदेश। और बाकी जो बचा हुआ रीजन था जहाँ पर पंजाबी बोली जाती है वो रहा, जो इस समय का पंजाब है वो आपका, बाकी जो बचता है वो था आज का पंजाब। नेक्स्ट आपको मैं ये पंजाब का मैप दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये पंजाब का मैप है, यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है, ये यहाँ आप देख सकते हैं पठानकोट में, यहाँ पर पठानकोट से लेकर ये यहाँ तक आपका फजिलका तक बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं ईस्ट साइड ये है, वेस्ट साइड ये है, नॉर्थ साइड और ये है साउथ साइड। तो जो पंजाब है वो पड़ता है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड, पंजाब जो है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड पड़ता है। और अगर पंजाब के मैप में यहाँ देखिए, पंजाब यहाँ से यहाँ तक जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, और यहाँ से लेकर यहाँ जो दो डिस्ट्रिक्ट्स है इसकी, फजिलका और मुक्तसर, ये राजस्थान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है। फिर से मुक्तसर और भटिंडा, मुक्तसर भटिंडा मनसा संगरूर और पटियाला मोहाली, एसएस नगर जो है ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है हरियाणा के साथ। नेक्स्ट जो यहाँ से बच जाते हैं, रूपनगर, होशियारपुर, आपका एसएस नगर और पठानकोट, ये बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पर गुरदासपुर जो है ये भी थोड़ी सी बॉर्डर जो है ये शेयर करते हैं अपनी बॉर्डर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के साथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बाकी जो जगह बचती है पठानकोट की, ये बॉर्डर शेयर करता है जम्मू एंड कश्मीर के साथ। तो अगर पंजाब के मैप की बात करें तो पंजाब के नॉर्थ में आता है डिस्ट्रिक्ट पठानकोट, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में जो नॉर्थ है वहाँ पर आता है पठानकोट। अगर इसके साउथ की बात करें तो साउथ में यहाँ पर इसके में जो डिस्ट्रिक्ट है वो आता है डिस्ट्रिक्ट मानसा। और अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में आता है फजिलका डिस्ट्रिक्ट, और ईस्ट में आता है एसएस नगर। पंजाब जो है इसकी 22 डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब की 22 डिस्ट्रिक्ट है, इन डिस्ट्रिक्ट को चार रीजन में बांटा गया है। पहला है माझा, दूसरा है मालवा,
तीसरा है दुआब और चौथा है पौध। तो ये रीजन में मैं आपको बता देता हूँ, जो माझा रीजन है वो है आपका रावी, और जो ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी है जो यहाँ पर बह रही है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो नदी है ये ब्यास नदी है, और ये जो नदी है ये रावी नदी है। रावी और ब्यास के बीच में, यहाँ तक ब्यास है, इसके बाद ये जो नदी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सतलुज नदी है। यहाँ से आगे ब्यास जो है यहाँ पर सतलुज में मिल जाती है। तो यहाँ इनके बीच का जो रीजन है इसे माझा कहा जाता है, और आपका सतलुज और ब्यास के बीच का जो रीजन है ये वाला, ये कहलाता है दुआब। अब बात करते हैं मालवा। मालवा सबसे बड़ा रीजन है और ये है आपका सतलुज, और यहाँ पर ये घग्गर नदी है, इसके बीच का जो रीजन है ये रीजन कहलाता है मालवा। और यहाँ पर आप तीन डिस्ट्रिक्ट देख पा रहे हैं, ये पौध रीजन में आती है यहाँ पर। ये मैं आपको फर्दर लिस्ट में बताता हूँ यहाँ पर इसमें कौन सी नदी, कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो इस रीजन में आती है। माझा, मालवा, दुआब और पौध, ये यहाँ पर आपके मेनली जो है चार रीजन में इन 22 डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया है। अगर पंजाब की नदियों की बात करें तो पंजाब में रीसेंट पंजाब, अब जो इंडिया का पंजाब है, उसमें मात्र तीन नदियाँ बहती है, एक सतलुज है, दूसरी रावी है और तीसरी ब्यास है। रावी यहाँ पर है, ब्यास यहाँ पर है और सतलुज ये नदी है। ये तीन नदियाँ मोस्टली जो है पंजाब में बहती है। बाकी की जो दो नदियाँ हैं चेनाब और झेलम, वो आपके वेस्ट पंजाब में बहती है, यहाँ पर वो वेस्ट पंजाब में बहती है। अब देखिए ये जो 22 डिस्ट्रिक्ट है इसमें पहला जो रीजन है, पहला रीजन है माझा। माझा जो है, माझा में चार डिस्ट्रिक्ट है, पहला अमृतसर है, दूसरा तरन तारण है, तीसरा गुरदासपुर है और चौथा है पठानकोट। ये जो चारों डिस्ट्रिक्ट है ये आती है माझा रीजन में। दूसरा है दुआब रीजन। जो दुआब रीजन है इसमें होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट और आपका कपूरथला डिस्ट्रिक्ट, जालंधर डिस्ट्रिक्ट और शहीद भगत सिंह नगर, जिसे कि नवा शहर के नाम से जाना जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट आती है दुआब रीजन में। नेक्स्ट मालवा जो है, मालवा सबसे बड़ा रीजन है, इसमें आता है आपका बारनाला, बठिंडा, फिरोजपुर, फजिलका, फरीदकोट, लुधियाना, मोगा, मनसा, मुक्तसर, पटियाला और संगरूर, ये सारी आती है मालवा रीजन में। नेक्स्ट है पौध। पौध जो रीजन है, जो मैंने आपको बताया, पौध रीजन में आता है SAS नगर, रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब, ये आता है आपका पौध नगर में। अब बात करते हैं स्टेट सिंबल की। पंजाब का जो स्टेट सिंबल्स है उनमें सबसे पहले एनिमल की बात कर लेते हैं। एनिमल है ब्लैक डक। ब्लैक डक पंजाब का जो स्टेट एनिमल है, और बर्ड की बात करें तो ये है नॉर्दर्न गोशॉक। नॉर्दर्न गोशॉक इनका स्टेट बर्ड है। स्टेट फ्लावर की बात करें तो लिलियम कैंडिडम ये इनका स्टेट फ्लावर है, और स्टेट ट्री की बात करें तो शीशम ट्री जो है ये स्टेट ट्री है। नेक्स्ट अगर पंजाब की स्टेट प्रोफाइल में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कैपिटल की। पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है, इसका नाम है चंडीगढ़, और ये जो चंडीगढ़ है ये एक यूनियन टेरिटरी है। पंजाब में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है 22, और लिटरेसी रेट है पंजाब का 75.84%। सेक्स रेशो की बात करें तो 943 पंजाब का सेक्स रेशो है, और पंजाब की जो ऑफिशियल मुहर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो सील होती है, मुहर जो होती है, वो हर स्टेट की अपनी अलग स्टेट अलग मुहर होती है। गवर्नर की बात करें तो पंजाब के गवर्नर है VP सिंह बंदोर। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सितंबर 2018, VP सिंह बंदोर यहाँ के गवर्नर है, और CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल बाइकैमरल दोनों तरह के जो लेजिस्लेचर है उनको डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वो चेक कर सकते हैं, स्टेट प्रोफाइल्स ऑफ इंडिया। तो यूनिकैमरल जो गवर्नमेंट होती है उसमें एक ही लेजिस्लेचर होता है, सिंगल लेजिस्लेचर होता है। इसमें 117 सीटें हैं। अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो राज्यसभा की 7 सीटें पंजाब से हैं और लोकसभा की है 13 सीटें। हाई कोर्ट की बात करते हैं, इंडिया में 24 हाई कोर्ट है, और इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो चंडीगढ़ में है। पंजाब, हरियाणा और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, इन तीनों का कॉमन हाई कोर्ट है जो कि है आपका चंडीगढ़ में। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया की। पंजाब के एरिया की बात करें तो टोटल एरिया जो है पंजाब का वो है 50,362 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया वाइज रैंक में 20th है। हाईएस्ट एलिवेशन की बात करें तो 551 मीटर हाईएस्ट एलिवेशन है, और लोएस्ट एलिवेशन की बात करें तो 150 मीटर लोएस्ट एलिवेशन है सी लेवल से। पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन है पंजाब का 2,77,04,236, और रैंक की बात करें तो 16th रैंक है पॉपुलेशन वाइज।
पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 550 किलोमीटर स्क्वायर, 550 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है पंजाब की। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर नेशनल पार्क्स की, तो पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है पंजाब में, और जूलॉजिकल पार्क और टाइगर सफारी यहाँ पर 2 है, डियर पार्क यहाँ पर 3 है और कम्युनिटी रिजर्व यहाँ पर 2 है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लिस्ट है, जो 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है पंजाब में। तो इनमें सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो है आपकी अदोबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 1988 में एस्टेब्लिश की गई थी। 186.5 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। बाकी की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें वेटलैंड की, वेटलैंड ऑफ पंजाब जो रामसर साइट में लिस्टेड है वो है आपका हैरिके वेटलैंड। हैरिके वेटलैंड जो है 23 मार्च 1990 को ये रामसर साइट घोषित किया गया। और कंजी वेटलैंड साइट की बात करें तो जो कंजली वेटलैंड वेटलैंड साइट है ये 22 जनवरी 2002 को इसमें ऐड किया गया रामसर साइट में। रोपड़ की बात करें, रोपड़ वेटलैंड जो है ये 22 जनवरी 2002 को इसे भी रामसर साइट में लिस्ट किया गया था। ये जो तीनों ही वेटलैंड है ये मैन मेड वेटलैंड है। नेक्स्ट अब वेरी इंपॉर्टेंट जो पीछे रह गया था, हमने जहाँ पर हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, सिख धर्म की बात कर रहे थे, वहाँ पर अगर सिख धर्म की बात आती है तो सिख धर्म में सबसे अहम किरदार जो है जिसकी शुरुआत जिसने की थी वो थे सिख गुरुज। सिख गुरुज आपको पता है सिखों के 10 गुरु थे। तो ये जो 10 गुरु है इनके बारे में हम अभी बात करते हैं और सिख धर्म की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करते हैं। सिख धर्म जो है वो पंजाब से शुरू हुआ। तो सिखों के गुरु की बात करें तो सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी जो थे इनका जन्म 1469 में हुआ, 1539 में इनका देहांत हो गया। ये थे फाउंडर सिख रिलीजन के, सिख धर्म के जो फाउंडर है वो थे गुरु नानक देव जी, और ये पहले सिख गुरु भी थे। दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव जी। जो गुरु अंगद देव जी थे इनका जन्म हुआ 1539 से 1552 तक सिख गुरु रहे। इन्होंने शुरू किया था गुरुमुखी लैंग्वेज, जो कि पंजाबी लैंग्वेज है, और इसमें स्क्रिप्ट लिखी जो कि सिख रिलीजन की स्क्रिप्ट है, वो इन्होंने लिखी गुरुमुखी लैंग्वेज में। तो अगर आपसे पूछा जाए जो सिख धर्म की जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो वो लिखी गई है गुरुमुखी लैंग्वेज में। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी थे जो थे वो 1552 से लेकर 1574 तक 1574 तक रहे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए इन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए। इन्होंने जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोका, ठीक है, और विडो जो है जो विधवा होती है उनके रीमैरिज के लिए इन्होंने प्रावधान किए। तो ये सिखों के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास जी। अगर चौथे गुरु की बात करें तो गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी रहे 1574 से लेकर 1581 तक। उन्होंने क्या किया था, गुरु रामदास जी जो है इन्होंने अमृतसर की खोज की थी। अमृतसर इन्हें मिला था कंट्रीब्यूट करके, जो 500 विलेजेस है उनको कंट्रीब्यूट करके अमृतसर सिटी डिस्कवर की गई थी। और मुगल जो एम्परर थे अकबर, उन्होंने उस समय ये 500 विलेज गिफ्ट किए थे गुरु रामदास को। नेक्स्ट पांचवे गुरु रहे गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी जो है ये 1581 से लेकर 1606 तक रहे। इन्होंने गोल्डन टेंपल बनाया। यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पांचवे गुरु जो थे गुरु अर्जन देव जी, इन्होंने गोल्डन टेंपल बनाया, और जो आदि ग्रंथ है वो भी इन्होंने लिखा। नेक्स्ट गुरु की बात करें तो गुरु हरगोबिंद जी जो है ये 1606 से लेकर 1645 तक रहे। इन्होंने गोल्डन टेंपल में अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त की स्थापना की इन्होंने गोल्डन टेंपल में, जो कि गोल्डन टेंपल के एकदम सामने है। सातवें गुरु जो रहे वो रहे गुरु हरिराय। ये 1645 से लेकर 1661 तक रहे। आठवें गुरु रहे गुरु हरिकृष्ण जी। ये 1661 से लेकर 1664 तक रहे। इनके नाम से, हरिकृष्ण जी के नाम से बहुत सारे स्कूल्स बने हुए हैं ओवरऑल कंट्री में। गुरु तेग बहादुर सिंह नौवें गुरु थे, ये 1664 से लेकर 1675 तक रहे। उसमें और अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी 1675 से लेकर 1708 तक रहे, और इन्होंने खालसा पंथ की
स्थापना की। सिखों के जो गुरु है वो टोटल 11 गुरु है, जिनमें की 10 ह्यूमन गुरु जो कि मैंने आपको लिस्टेड अभी बताए वो 10 गुरु है, और 11वां लास्टिंग रहेगा जो करंट एंड एवर लास्टिंग सिख गुरु है, 11th वो है इनका गुरु ग्रंथ साहिब। तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने गुरुशिप जो है उसे खत्म कर दिया था हमेशा के लिए। इन्होंने कहा था कि मैं अंतिम गुरु हूँ इस धर्म का, और इसके बाद जो नेक्स्ट गुरु होंगे वो हमेशा के लिए रहेंगे गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि इनका धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखा देता हूँ। इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये है बाघा बॉर्डर, ये पंजाब की बहुत फेमस जगह है बाघा बॉर्डर, और ये है गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है। ये जलियांवाला बाग है जो कि अमृतसर में है, और ये है रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में है। अब अगर पंजाब की इकोनॉमी की बात करें, पंजाब की इकोनॉमी में सबसे पहले जो है, पंजाब जो है ये सबसे फर्टाइल रीजन है, क्योंकि मैंने आपको बताया पंजाब में जो है जो नदियां पंजाब को सींचती है उसकी वजह से ये जो पंजाब है ये एक बहुत फर्टाइल लैंड है इंडिया का। इस रीजन में वीट गेहूं जो है वो बहुतायत मात्रा में उगाया जाता है, इसके साथ साथ राइस, शुगर केन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये भी उगाए जाते हैं। इंडिया में जो पंजाब है उसे ग्रेनरी ऑफ इंडिया और इंडियाज ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका जो ये जो पंजाब है ये 10.26% इंडिया का कॉटन यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, जो कॉटन है ओवरऑल कंट्री का 10.26% अकेला पंजाब प्रोड्यूस करता है। 19.5% यहाँ पर वीट, जो कि ओवरऑल इंडिया का 19.5% है वो अकेले पंजाब में उगाया जाता है, और 11% इंडिया का राइस पंजाब में उगाया जाता है। फिरोजपुर और फजिलका डिस्ट्रिक्ट जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट एंड राइस है स्टेट में, पंजाब में फिरोजपुर और फजिलका में सबसे ज़्यादा वीट और राइस उगाया जाता है। अगर वर्ल्ड वाइड टर्म की बात करें तो इंडिया का जो पंजाब है वो 2% वर्ल्ड का कॉटन और 2% गेहूं और 1% राइस जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो गाइज ये पंजाब की वीडियो थी, इसमें अगर बहुत कुछ रह गया हो, वैसे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रही है। पंजाब जो है ये फेमस है बहुत सारी चीज़ों के लिए, यहाँ के फेयर एंड फेस्ट भी बहुत फेमस है, यहाँ के जो डांसेज है वो भी बहुत फेमस है, यहाँ का आर्ट एंड स्कल्पचर जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से विस्तार से बताऊँगा। फिलहाल जो स्टेट प्रोफाइल है उसमें हमने जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है, बाकी जो चीज़ें रह गई होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होगी, अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल की जो इस हर वीडियो की जो PDF होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, आप अपने कीमती सुझावों में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें, चैनल को जो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करें।